खरगोन की जीवनदायिनी कुंदा इन दिनों साफ सफाई के अभाव में बदहाल हो रही है। कुंदा का पानी दुर्गंध युक्त हो गया है, इससे पर्यावरण दूषित हो रहा है। आपको बता दें कि पूर्व में भी नगरपालिका और सामाजिक संगठनों ने समय समय पर नदी की साफ सफाई के लिए अथक प्रयास किए हैं, इसके बावजूद गंदगी फैल रही है। लिहाजा स्थिति से निपटने के लिए शहर के गणमान्य नागरिकों ने पहल की और पर्यावरण समिति का गठन कर नगरपालिका प्रशासन संयोजक परसराम डंडी ने 9 सूत्रीय मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा और जन भागीदारी की मदद से स्वच्छता अभियान में योगदान देने का संकल्प लिया। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। पर्यावरण समिति का गठन किया है, उसका रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। शहर की स्वच्छता और पर्यावरण हमारा उद्देश्य है। तो स्वच्छता के लिए तो जो कुंदा हमने आज से 30 साल पहले देखी थी कि उसी कुंदा में लोग नहाते थे और उसी कुंदा का जल लेकर गणेश मंदिर पर और महादेव मंदिर पर चढ़ाते थे। आज वहाँ जल की स्थिति ये है कि खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा है। पूरे शहर के नदी किनारे के लोग उसमें कचरा फेंकते हैं। ये सब बातों को लेकर और इन सब सुधारों को लेकर नगरपालिका भी इस तरफ प्रयत्नशील है और हमने आज नगरपालिका को ज्ञापन दिया है। निश्चित तौर पर रविवार के दिन हमारे शहर के वो सब लोग जो इस स्वच्छता में शामिल होना चाहते हैं वो आएँ और मंदिर और चर्च और गुरुद्वारे के सामने जो ईद के अपने मस्जिद के सामने जो सारा ढेर लगा है कचरे का, उस कचरे के ढेर को साफ करने में हमारी सहयोग करें। हमारी पर्यावरण समिति का एक उद्देश्य और है कि शहर के आसपास जितनी राजस्व की खाली भूमि है उस भूमि में वृक्षारोपण करके शहर के पर्यावरण को सुधारने के लिए भी हमारा एक प्रयास है, अथक प्रयास रहेगा। ये हम लंबे समय तक इस काम को करना चाहते हैं और इसके लिए जो शासकीय भूमि है उन पर हम पौधारोपण करेंगे और शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। जय। बहुत ज़्यादा गंदगी है, बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं काम भी कर रही हैं, लेकिन अभी इस बार हम जब गए तो हमने कुछ सोच विचार किया। हमने एक पर्यावरण समिति बनाई है, उसके संयोजक आदरणीय श्री परसराम जी डंडीर हैं, सहयोगियों में कुबेर जी हैं, कावला जी यादव सर हैं, ऐसे कुछ लोगों ने सुधा मैडम है, अत्रे मैडम हैं, कुछ लोगों ने मिलकर कुछ सोच विचार किया है, कुछ पॉइंट्स बनाए हैं और उसके आधार पर आज हमने नगरपालिका महोदया को नगरपालिका अधिकारी महोदया को हमने एक ज्ञापन दिया है जिसके अंतर्गत किस तरह से हम नदी को जन भागीदारी का सहयोग लेकर पर्यावरण समिति के साथ में मिलकर किस तरह से नदी किनारे को सुंदर बना सकते हैं। भगवान का मंदिर है वहाँ, चर्च है वहाँ, गुरुद्वारा है वहाँ, ना मस्जिद है वहाँ, सभी धर्मों के तीर्थस्थल। जैसे किसी नदी के किनारे जब इस तरह के स्थान होते हैं तो हम उसको तीर्थस्थल मानते हैं और हम देख रहे हैं कि उस तीर्थस्थल पर इतनी ज़्यादा गंदगी है कि उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। देखिए क्या होता है, ये जो तीर्थस्थल है यहाँ पर भगवान बैठे हैं, ईश्वर अल्लाह यीशु सब एक हैं, लेकिन इन भगवान के सामने हमने नरक खड़ा कर रखा है और हम भगवान को नरक दिखाएंगे और ये सोचेंगे कि भगवान हमें स्वर्ग दे, तो ये तो कतई संभव नहीं है। हमें उस स्थान को सुंदर सुगंधित बहुत प्यारा स्थान बनाना है, लोगों में जन जागरण करना है कि वहाँ पर गंदगी न फेंके, प्लास्टिक न फेंके। और इस तरह से यदि हमारा समाज, हमारे खरगोन शहर के लोग थोड़ा भी जाग गए तो निश्चित मानिए कि ये स्थान एक बहुत ही अच्छा पर्यटन स्थल के रूप में सुप्रसिद्ध हो जाएगा और हमारे खरगोन शहर का नाम वैसे भी अभी काफ़ी हो ही रहा है। और आगे बढ़ेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि खरगोन को भी अच्छा साफ सुथरा बनाने की कोशिश करें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।